अव्वल तो तीसरा टर्म अगर वो कहते हैं, जैसे एक बार उन्होंने एक आंकड़ा भी बता दिया अपनी पार्टी के लिए 370 का, तो ये बड़ा दुखदाई होता है। एग्जैक्ट नंबर बताना, इस तरह का अहंकार और गुरूर लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। बड़े फैसले तो आपसे 14 में उम्मीद थी, लोगों ने वोट किया था। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां, मोदी जी आईना रखना चाहिए किसी भी नेता को, चाहे कितनों बड़ा हो, कुछ भी हो, आईना रखे। आपने अपने वादे और दावे पर अपना मूल्यांकन किया नहीं, तो बड़े फैसले का मतलब क्यों? अगर आवाम से आपके फैसले से फासला बढ़ता है, तो ऐसे फैसले किस काम के? निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि ये ऐसी पार्टी है जो फैमिली फर्स्ट। अब मुझे तो पता है कि कभी ये भी थी शायद कांग्रेस में, जहां तक मेरी जानकारी है निर्मला जी, लेकिन ये दौर है। आप जिस सत्पक्ष के साथ खड़े हैं उनका गुणगान करना होगा उसकी ऑर्केस्ट्रा में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं कि ये देश दुनिया की पहली पार्टी है, पहली सरकार जो 10 वर्ष पूर्व सत्ता में आई और उससे पूर्व की सत्ता में जो लोग थे उनका व्हाइट पेपर आज ला रही है, उनके इकोनॉमी के बारे में बड़ी बातें हो रही है, अपना मूल्यांकन क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी के वादों की फेहरिस्त देखिए और अपने कारनामे देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वो हिम्मत, वो जज्बा है नहीं, तो आप इसी तरह रेटोरिकल चीजें करते रहेंगे, लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। जैन चौधरी बोलते हैं कुछ भी बचा नहीं है डिनाई करने के लिए, अब मैं जयंत जी को क्या कहूं, बहुत क्लोजली काम भी किया है, बड़ी उम्मीद भी रहती है मेरी ही नहीं, व्यक्ति की नहीं, आवाम की। और उनका ये निर्णय लेना और निर्णय के बाद ये कहना, ये विशुद्ध वैचारिकता के लुप्त होने की कहानी हो जाती है। मेरा अभी भी मानना है कि जयंत जी को पता है कि उनकी जो जमीन है वो क्या चाहती है, उस जमीन का स्वभाव क्या है, चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति क्या थी, सामाजिक सौहार्द की राजनीति थी। मैं उस पूरे इलाके से वाकिफ हूं। आज भी लोग चौधरी साहब को याद करते हैं तो क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वैचारिक एकजुटता से पूरे उस अंचल का सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया। बस